दोस्तों आप सभी का ग्राम पंचायत फुलेरा में स्वागत है। हाय गाइस, वेलकम टू फाइव स्टार ट्रैवलर। इस वक्त मैं कहाँ हूँ, ग्राम पंचायत फुलेरा। बहुत फेमस जो अमेजोन प्राइम वीडियो में वेब सीरीज आ रही है पंचायत, उसकी शूटिंग लोकेशन पे हूँ। मेरे पीछे है सचिव जी का ऑफिस, पंचायत ऑफिस। चलिए हम चलते हैं अंदर और दिखाती हूँ मैं आपको अंदर का पूरा। दोस्तों, पंचायत सीरियल की शूटिंग उत्तर प्रदेश के फुलेरा गांव में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के सीहोर डिस्ट्रिक्ट के महोड़िया गांव में हुई है। यहाँ पे जो दिखा है सचिव जी का जो काम करने वाला एरिया है, ये है। ये उनका किचन वाला सेटअप वाला एरिया था, यहाँ किचन में चाय वाय बनाते थे, ये वाला एरिया। और जो उनका कमरा है जहाँ उनका दिखाया है सब वगैरह करने का, वो इधर है, इधर आइए। ये है इनका। शूटिंग के लिए अंदर का पूरा इंटीरियर चेंज किया था, इसलिए अभी आपको ये ऐसा नजर आ रहा है। पहले सीजन के आखिरी एपिसोड में दिखाया था झंडा वर्धन होता है, वो यहाँ होता है। और सामने एक हैंडपम्प भी दिया है, वो यहाँ हुआ करता था हैंडपम्प, वो शूटिंग के लिए बनाया गया था, बाकी अभी हटा दिया है। और ये फेमस पानी की टंकी जहाँ रिंकी और सचिव जी पहली बार मिले थे। तो दोस्तों, इस वक्त में हूँ अपने असली सचिव जी के साथ, जो है हरीश जोशी जी। आप कुछ बोलना चाहेंगे? हमारा क्या है, पंचायत जो वेब सीरीज है इसमें दो सेशन किए जाते हैं, शूटिंग वगैरह हुई थी। बहुत अच्छा माहौल रहा, मतलब अच्छा गाँव पूरे पूरा आर एंड पहचान मिली है। उसके बाद मतलब जो बाहर से आए थे उन गाँव की जो जिंदगी है उसको बहुत बारीकी से देखा। और सबसे खुशी की बात है कि उन्होंने जिस तरह का गाँव का माहौल है उसको मतलब वेब सीरीज में दर्शाने की कोशिश की है। जो लोगों को पता पड़ा कि बात इन गाँव की जो सरकार होती है, पंचायत होती है, सचिव जो होता है, उसे क्या समस्या है, वो किस तरह काम करता है, उसको हर व्यक्ति को किस तरह से अपने आप को मैनेज करना पड़ता है, मतलब उसने पूरी की बारीकी जो बताई है बहुत अच्छी बताई है। हम इस बात से गाँव वाले बड़े खुश हैं, गाँव के लोगों को रोजगार मिला और अच्छे लोग आए थे। कुल मिला के ये है कि गाँव इस बार चलते रहे तो बहुत अच्छी। धन्यवाद। चलिए हम चलते हैं वही फेमस पानी की टंकी पर जहाँ पर सचिव जी और रिंकी की पहली मुलाकात हुई थी। दोस्तों, जैसा कि सचिव जी ने कहा है, टंकी पे चढ़कर पूरे गांव का बढ़िया व्यू दिखता है। सही में बहुत बढ़िया व्यू दिखता है। ये पंचायत आ जाएगी सामने, और ये सामने पंचायत ऑफिस। ये मंदिर का सीन दिखाया था जिस दिन तीज का व्रत था उनका, और त्योहार का शूटिंग हुआ था। यहाँ जो सीसीटीवी वाला चलिए हम चलते हैं उप्रधान जी घर। ये उप्रधान जी का जो घर दिखाया था, इसमें जो आखिरी सेकंड सीजन का जो आखिरी एपिसोड है जिसमें आर्मी से वो जो राहुल का दिखाया है सीन, यहाँ पर वो सीन शॉट हुआ था। वाले रोड का सीन है, यहाँ पे से गाय बकरी निकलती है, वो यहीं पे सीन हुआ था, तो आप देख सकते हो। तो अभी हम घूम रहे हैं ग्राम पंचायत फुलेरा में, अभी जा रहे हैं हम प्रधान जी के घर। भट्टे की मिट्टी बेचने का वो करते हैं, तो जब वो जाते हैं सचिव जी, प्रधान जी, उप प्रधान सभी, तो ये वाले रास्ते से जाते हैं। आगे का सीन है वो बताऊंगा। Yeah.
जो पहले एपिसोड में दिखाया कि अपने घर जाते जब मिट्टी की बात करने ईंट के भट्टे के लिए, तो धीरे धीरे जिस रोड से जाते हैं वो यही रोड है, यही पाइप से दिखाया आपको सीन देता हूँ, यही पाइप से चढ़ के ये वही सड़क है, यही से रास्ता है जो वो चप्पल फेंकने जाते हैं, एक सीन में दिखाया था जो भूषण की बीवी की चप्पल पीछे से फेंकने जाते हैं, वो यही रास्ते से जाते हैं। अब हम चलते हैं भूषण जी का भी घर देखते हैं, मुझे पीछे से चप्पल फेंकते हुए सामने आके गिरती है, यही वाला घर दिखाया है भूषण का, यही है जो घर यही जो भूषण जी की वाइफ यहाँ बैठती है, पीछे से सामने से चप्पल उछल के आती है, फेंकते हैं वो लोग सचिव और विकास, यहाँ पे उनको लगती है, यहाँ भूषण जी का बैठने वाला सीन है, ये घर दिखाया उनका। अब चलते हैं, ये सामने वाला प्रधान जी का घर है। अच्छा, ये है प्रधान जी का घर सामने वाला, इसका एंट्रेंस कहाँ साइड से? उधर की तरफ से है। अच्छा, बाकी जो मेन डोर है हाँ। वो इधर से है, और ये घर की एक खास बात है कि ये रियल में भी प्रधान जी का ही घर है। ये जो हमारे प्रधान जी का घर है जिसमें आपने पूरा बहुत सारा सीरियल का जो मेन पार्ट शूटिंग हुआ है वो ये है, ये आंगन है, चलते हैं अंदर हम लोग। ये देखिए यहाँ पे प्रधान जी की बीवी नीना जी हैं अपनी, ये खटिया पे बैठ के रिंकी के साथ, ये खटिया वही है, ये वही खटिया है, और यहाँ पे भूरी यादव जी सोने का सीन दिखाया, बैठने का सीन है, काफी सारा एरिया यहीं पे कवर किया है, मशीन भी दिखाई, हाँ ये सिलाई की भी मशीन है, वो दिखाते हैं उन्हें सिलते हुए फर्स्ट सीजन में, फर्स्ट एपिसोड में वो यही मशीन। ये प्रधान जी के जो घर का जो मेन एंट्रेंस, ये सामने वाला, ये पूरा सेट का पार्ट है, ये सेट बनाया हम लोगों ने लकड़ी, देखिए आप हमारा समझ में आ रहा होगा लकड़ी का पूरा बनाया है। अच्छा, ये स्कूटी रिंकी की है, ये रिंकी की स्कूटी दिखाई थी सीरियल में, ये वही है, ईट भट्टे वाले जो उनकी स्कूटी दिखाई थी वो भी यही स्कूटी थी, वो भी हाँ नंबर प्लेट चेंज कर दिया था, बाकी तो सेम। हेलो, ठीक, यही है यहाँ पे जो प्रधान जी अपने तैयार होते हैं, फेयर एंड लवली लगाते हैं, ये वही कांच वाला सीन है। ये हॉल वाला सीन इसका, गुप्ता जी का रोल है ये, इन्होंने निभाई, ये है गांव के असली प्रधान ये जो असली प्रधान है गांव के, ये हमारे सामने खड़े आप कुछ बोलना चाहेंगे? यहाँ पे बनी ना ये पंचायत, नीना गुप्ता प्रधान थी, उसका हस्बैंड जी और रघुवीर यादव वो प्रधान करते थे, तो पूरी कहानी वैसी वैसी यही अनुसार ही है वो पूरी नकली प्रधान नकली तो गांव में जो दिखाया है फुलेरा गांव का, ये सही में वैसा ही है पूरा, वैसे जो गांव में होता है जो गांव में पंचायत में जो होता है वो पूरा ही उसी के आधार पर बताया, और जो बताया बहुत अच्छा बताया, मतलब जो उसमें बताया वही होता है सब कुछ, जैसा उन्होंने बताया वो मट्टी का तालाब का खोदने का, और पिछले भाग में आपने देखा हो तो वो लाइटों का बताया था, पूरा जो उन्होंने पंचायत बनाई है वो पूरी पंचायत के आधार पर ही बनी है। ये सब प्रधान जी के घर के सदस्य हैं सब, ये रिंकी है रिंकी का भाई नहीं है लेकिन यहाँ पे रिंकी का भाई है, रिंकी का ये रिंकी का भाई रिंकी की लड़की है, ये रिंकी की मम्मी, रिंकी जी यहाँ पे खड़ी होके बात करती है, उसका सीन नीचे से लिया गया था, और ये जो खटिया सामने आप देख रहे हो ये खटिया के ऊपर ही हमारे प्रधान जी बैठते थे, और सीरीज के अंदर वो जो रिंकी जी का बट्टे बनाते हैं सीजन सेकंड में वो इसी छत के ऊपर बनाते, और यहीं पे उन्होंने खीर खाई थी, इसी जगह पे खीर खाई थी जहाँ पे अभी मैं खड़ा हुआ हूँ, और यहाँ पे आखिरी में उन्होंने केक खाया था ये जगह पे। ये एक रूम है ऊपर, इसके अंदर भी मैं आपको ले चलता हूँ। एक ये रूम है ऊपर, तो दोस्तों
ये है देखिए आप, ये फोटोज देखे देखे लग रहे होंगे आपको। ये अपने असली कलाकार सीरियल के जिनसे हम मिल पाए। तो दोस्तों ये सामने आप मेरे पीछे जो घर देख रहे हो, इसको वापस खड़ा करना मजबूरी बन गई थी, क्योंकि ये जगह थी पहले एक बुजुर्ग महिला की थी, फिर हमारे मौसा जी ने ये जगह ले ली थी, फिर इसको तोड़ दिया था। तो इसको सेकेंड सीजन के लिए खड़ा करना ज़रूरी था। वो तो कंडे वाला सीन यहाँ पे था, बहुत सारे कंडे हुए जमे थे। तो अभी अंदर आपको दिखाते हैं, अंदर आप देख के चौंक जाओगे। ये देखो ये पूरा सेट का एक हिस्सा है। अच्छा, अंदर कुछ इस तरीके से। हाँ, ये पूरा सेट लगा दिया है तुमने, बाहर जैसे लग रहा है मिट्टी का है पूरा। और जो दीवार, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि वहाँ पे भाई पंचायत भवन के पास दीवार थी, तो दीवार थी और उसके गेट वगैरह आप देख सकते हो। जब शूटिंग पूरी खत्म हो जाएगी बिल्कुल, तब ये सब वापस से लगा दिए जाएंगे। वही जगह है जब अभिषेक जी और उनके दोस्त सांप के डर से रात में प्रधान जी के घर सोने आते हैं। पहले सीजन में दिखाया था कि यहाँ पे वो नारा लिखवाया था, दो बच्चे हैं मीठी खीर उससे ज्यादा बवासीर, यहीं पे ये शूट हुआ था सीन, और अभी भी लिखा है नारा इस पे। यही ये आम के पेड़ के नीचे इन लोगों ने पार्टी करी थी जब अभिषेक और उनके दोस्त आए थे, और प्रधान जी और फिर बाद में अभिषेक में सचिव जी में झगड़ा हो गया था, वो यहीं पे पूरा वो सीन शूट किया था। मैं दिखाया था वो लोग रात को लाश देखने जाते हैं, तो यही पुलिया से क्रॉस होकर दिखाया, यही पुलिया से क्रॉस होकर लोग जाते हैं डांस देखने बीबीपुर। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा फुलेरा गाँव का वीडियो? फुलेरा गाँव जैसा सीरियल में दिखाया है बिल्कुल वैसा ही है, वहाँ के लोग बहुत अच्छे और मिलनसार हैं। तो मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।